दोस्तों, अगर आप अपने ब्लॉगर में कुछ इस तरीके से अपने फेसबुक पेज लगाना चाहते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये फेसबुक पेज लगा हुआ है ब्लॉगर के अंदर, तो अगर आपको ये लगाना है तो कैसे लगेगा, ये आज की वीडियो का टॉपिक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा हाउ टू ऐड फेसबुक पेज इन ब्लॉगर। तो यहाँ पर ये जानने के लिए बस आपने एक काम करना है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके ब्लॉगर फीचर्स एड ऑन की और आपकी हेल्पिंग रिलेटेड। तो चलिए वीडियो आज की शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्लॉगर में चले जाना है। ब्लॉगर में जाने के बाद मैं एक बार आपको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर कोई भी एक फेसबुक पेज का लिंक नहीं लगा हुआ है, यानी कि फेसबुक पेज यहाँ पर नहीं ऐड किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश न्यू वेबसाइट पर ऐड करना बताने वाला हूँ, जो काफी ज्यादा इजी है। तो यहाँ पर ये जानने के लिए आपको देखिए एक कोड मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वाली वेबसाइट का, जिसमें आपने नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपने इस कोड को कॉपी कर लेना है। अब इस कोड को कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या आपने चेंज करना है। जैसे मैं इसे पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये एक यूआरएल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एफबी पेज। तो यहाँ पर आपको अपने एफबी पेज का यूआरएल डालना होगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी आपका एफबी पेज है वो आप यहाँ पर डाल देना। जैसे कि मेरे पेज का नाम है माइंडसेट ब्लॉगिंग, तो यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पर ये पेज का यूआरएल डाल देना है अपने, जो भी आपका फेसबुक पेज का यूआरएल है। तो उसे पेज को यहाँ पर डालने के बाद आपने कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लेना है। उसके बाद आपने अपने ब्लॉगर में जाना है, उसके बाद लेआउट सेक्शन में जाना है। लेआउट सेक्शन में जाने के बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको ऐड अ गैजेट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपने इस पर क्लिक करने के बाद एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कॉन्टेंट में पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। सेव के बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पर जाकर रिफ्रेश करना है। तो अब यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो आपका जो वे फेसबुक पेज था वो आपकी वेबसाइट पर लग जाएगा कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फॉलो करेगा तो यहाँ पर क्लिक करके कोई भी बंदा कर सकता है, यहाँ पर क्लिक करेगा तो आपकी फेसबुक पेज के जो भी आपका कॉन्टेंट होगा वहां पर वो पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में ब्लॉगर स्पॉट की फेसबुक पेज ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फीचर्स एड ऑन की प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत कुछ है जो आपका फायदा दे सकता है, तो आपने उसे भी चेक कर लेना है। तो चलिए आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।